गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू नव भारती फैमिली। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की जो फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड विच इज रिटन बाय जी एल फ्यूएंस। ऑलराइट, बिफोर यू रीड हम देखते हैं इस चैप्टर में है क्या, ये चैप्टर किस के ऊपर है। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स बट वॉट should we put our faith in? This is the question the story delicately poses. सब कहते हैं कि जो विश्वास है वो विश्वास बहुत ऊंचाइयां छू सकता है, लेकिन हमें विश्वास किस में करना चाहिए? तो ये क्वेश्चन है, ये जो फेथ है ना, ये स्टोरी जो पूरी है ये फेथ के ऊपर है। Lancho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. Ruined मतलब नष्ट हो जाना। लैंचो एक फार्मर है जो एक भगवान को एक लेटर लिखता है जब उसकी जो सारी फसलें हैं वो नष्ट हो जाती हैं, आस्किंग फॉर 100 पैसोस। भगवान से वो 100 पैसों के लिए वो लेटर लिखता है भगवान को। डज लैंचोज लेटर रीच गॉड? डज गॉड सेंड हिम टू हिम द मनी? थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। क्या लैंचो का लेटर है वो भगवान तक पहुंच जाता है? क्या भगवान लैंचो को पैसे भेजते हैं? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें इस चैप्टर के अंदर मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। निहाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक घर जो पूरे गांव का एक घर है जो कि क्रेस्ट मतलब टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ सबसे छोटे पहाड़ की सबसे ऊंची ऊंचाई पर एक घर है, ठीक है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। राइप मतलब पके हुए मक्के, डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। उस हाइट से हर कोई रिवर देख सकता है और पके हुए मक्कों का खेत देख सकता है जो कि बहुत अच्छे से हार्वेस्ट होते हैं। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. जो मतलब सब कुछ अच्छा है, अच्छा खासा घर है, घर से बहुत प्यारा खेत का नज़ारा है, रिवर है, लेकिन एक चीज़ की उस अर्थ को नीड थी, वो क्या थी? डाउनपोर। डाउनपोर मतलब हैवी रेनफॉल, भारी बरसात, हैवी रेनफॉल, और एटलीस्ट शावर या फिर कम बारिश, या तो अच्छी खासी बारिश या नॉर्मल बारिश की सबको उस टाइम अर्थ को नीड थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो हू न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड गॉन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। मॉर्निंग में लैंचो जो अपने खेतों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसने देखा कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ बादल आ रहे हैं, बारिश के बादल आ रहे हैं। No, now we are really going to get some water, women. वो अपनी वाइफ को बोलता है, अब हमें पानी मिलने वाला है। The women was preparing supper. Supper मतलब last meal of the day, or we can say dinner. Last meal of the day. जो उसकी वाइफ थी वो खाना बना रही थी, डिनर बना रही थी। Women बोलती है, yes, God willing. भगवान ने चाह तो। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them. लैंचो के बच्चे थे, बड़े बच्चे और छोटे बच्चे। बड़े बच्चे तो जो थे वो खेत में काम कर रहे थे, छोटे बच्चे खेत के पास खेल रहे थे, जब तक उनकी मम्मा उनको खाने के लिए आवाज़ ना लगा दे। कि मम्मा उनको आवाज़ लगाती है, कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट उनकी मम्मा बच्चों को आवाज़ लगाती है खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट लैंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स रेन बिगिन टू फॉल। जैसे ही वो लोग खाना खाने के लिए बैठे, लैंचो ने अनुमान लगा लिया कि आसमान से बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट में बहुत ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े बारिश के बादल, बड़े बड़े बादल आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा है वो बहुत फ्रेश है, बहुत प्यारी है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी। जो लैंचो है वो बाहर जाता है मौसम के मजे लेने के लिए, मौसम का फील लेने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड,
These are not raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. जब वो बाहर जाता है, जब वो रेन को अपने बॉडी पे फील करता है, तो वो लेंचो बोलता है कि ये सिर्फ बारिश की बूंदे नहीं है, ये सिक्के हैं। जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट्स के सिक्के हैं और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट्स के कॉइन है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers trapped in a curtain of rain. अच्छा खासा satisfaction, बहुत अच्छा नज़ारा था, बारिश हो रही थी और जो मक्के के खेत थे, पके हुए मक्के के खेत थे, वो बारिश की चादर में लिपट गए थे, covered, draped मतलब covered, cover हो गए थे बारिश की बूंदों से। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक बहुत तेज हवा आने लगी, बहुत तेज आंधी आने लगी और आसमान से बहुत बड़े बड़े hailstones गिरने लगे। hailstones मतलब ओले। अच्छा खासा मौसम था, धीमी धीमी बारिश आ रही थी, लेकिन अचानक बहुत तेज बारिश आने लगी, बहुत तेज हवा आने लग गई, आंधी आने लगी और आसमान से बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और वो ओले नए सिक्के, नए चांदी के सिक्कों की तरह लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। जो बॉयज़ थे उनको बहुत अच्छा लग रहा था ये चीज़ देख के, हेल स्टोन्स देख के, तो वो बाहर चले जाते हैं हेल स्टोन्स को इकट्ठा करने के लिए, ओले इकट्ठा करने के लिए। हेल स्टोन्स को किससे इंडिकेट करा है? फ्रोजन पर्ल्स से, जमे हुए मोती से। पर्ल्स मतलब मोती। It's really getting bad now, exclaimed the man. लेंचो बोलता है अब ये बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है। I hope it passes quickly. It did not pass quickly. वो ये बोलता है कि काश ये जल्दी से खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा जल्दी से खत्म नहीं होता। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if it covered with salt. एक घंटे तक ओलों की बारिश हुई, एक घंटे तक पूरा गांव, पूरा खेत, पूरे घर, सब कुछ ना ओलों में कवर हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नमक की चादर बिछा दी हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। एक पेड़ पे एक पत्ती भी नहीं बची थी, जो मक्के थे वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके थे, अच्छे से नष्ट हो चुके थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचोस सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। पौधों से फूल चले गए थे और जो लेंचो था, लेंचो को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था ये देख के। लेंचो बस होप कर रहा था कि बारिश आ जाए, अच्छा सा प्यारा सा रेनफॉल हो जाए, जिससे उसके मक्कों को थोड़ा सा पानी मिल जाए। लेकिन होता क्या है, बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लग जाते हैं और जैसे ही ओले गिरता है ना, पूरे खेत नष्ट हो जाता है, पूरे कॉर्न्स की नहस तहस हो जाता है, सब कुछ भी नहीं बचता। और ये देख के लेंचो को बहुत बुरा लगता है। When the storm had passed, storm मतलब तूफान, जब तूफान चला जाता है, he stood in the middle of the field and said to his son, तूफान जाने के बाद वो अपने खेत के बीच में खड़ा रहता है और अपने बच्चों को बोलता है, a plague of locust, locust मतलब टिड्डियां नहीं होती है, और प्लेग मतलब जो ग्रुप होता है ना टिड्डियों का, उनको हम बोलते हैं लोकस्ट, प्लेग ऑफ लोकस्ट। इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन द बिग स्वॉर्म्स और ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, जो एक साथ एकजुट उड़ते हैं और सारी नस्लें फसलें नष्ट कर देते हैं। याद है अभी बीच में हुआ था कि काफ़ी टिड्डियों ने अटैक कर दिया था, काफ़ी टिड्डियों का ग्रुप आया था और सारी फसलें खा गया था। तो यही चीज़ होती है। लेंचो बोलता है अपने बच्चों से, प्लेग ऑफ लोकस्ट have left more than this, the hail has left nothing. जो टिड्डियों का जो ग्रुप होता है, कीड़ों का जो ग्रुप होता है, जो खेत नष्ट कर देता है, वो कम से कम थोड़ा बहुत हमारे लिए छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो ओले हैं, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, ओलों ने सब कुछ नष्ट कर दिया, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। This year we will have no corn, इस साल हमारे पास कोई मक्के नहीं होंगे। The night was a sorrowful one, all our work for nothing. जो वो रात थी वो बहुत ही दुखदेही थी, हमारा काम, हमारी मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर।
इस साल हम सब भूखे रह जाएंगे, ये लैंचो बोल रहा था। क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, लैंचो को किस चीज की उम्मीद थी? रेनफॉल। व्हाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस, लैंचो ने ऐसा क्यों बोला कि जो रेन ड्रॉप्स है वो न्यू कॉइंस की तरह दिख रही है? बिकॉज ही वॉज ओवरवेल्म्ड। हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लैंचोस फील्ड, रेन बारिश चेंज कैसे हो गई और लैंचो के खेत को क्या हुआ? सब नष्ट हो गया था, जो बारिश थी वो तूफान में बदल गई थी और बहुत सारे हेलस्टोन्स गिर रहे थे। व्हाट वर लैंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, जब ओले गिरना बंद हो गए तो लैंचो को कैसा लग रहा था? लैंचो को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of valley, there was a single hope held from God. सबके दिल, who lived in that solitary house, जो उस घर में रहते थे, गांव के उस घर में रहते थे, सबको बुरा लग रहा था लेकिन उनके मन में एक होप थी। क्या थी वो होप? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान उनकी मदद करेगा। ठीक है, डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज हंग्री, परेशान मत हो, हालांकि ये बहुत ज़्यादा नुकसान है लेकिन कोई भी भूख से नहीं मरेगा, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ये चीज़ सब बोलते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ वन, ओनली ऑफ हिज वन होप, the help of God whose eyes as he had been instructed seeing everything even what is deep in one's conscience, matlab antaratma, an inner sense of right and wrong. Puri raat Lancho is bare mein soch raha tha lekin usko bas ek hi hope thi, bhagwan se madad, bhagwan ke isharon pe wo chalta raha, bhagwan ki nazar se usne duniya dekhi aur wo bhagwan ko bahut 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 zyada manta tha, to uske man mein ek hi ummeed thi, wo thi bhagwan se madad. Man mein Lancho was an ox of man working like an animal in the field, so Lancho tha wo bail ki tarah, insaan ke roop mein wo bail tha, matlab wo janwaron ki tarah kaam kar raha tha khet mein aur usko bahut, aur lekin fir bhi He knew how to write. फिर भी उसको पता था कि कैसे लिखते हैं। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. Sunday को morning को उसने एक letter लिखना शुरू करा और वो खुद वो शहर जाके वो mail box में डाल के आना चाहता था। और वो letter किसके लिए था? वो letter था भगवान के लिए, a letter to God. ठीक है, अब देखते हैं उसने लेटर में लिखा क्या है। गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, वो लिखता है भगवान अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार भूखे रह जाएंगे इस साल। आई नीड 100 पैसोस इन ऑर्डर टू सो माय फील्ड्स अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स बिकॉज हेल स्टॉर्म। फिर वो लिखता है कि मुझे 100 पैसोस, जो पैसोस है ना वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की करेंसी, हमारी करेंसी इंडिया की करेंसी क्या है? रुपीज़ है, तो वैसे ही लैटिन अमेरिकन की अमेरिकन कंट्रीज की करेंसीज होती है पैसोस। तो वो भगवान को बोल रहा था कि मुझे 100 पैसोस की ज़रूरत है ताकि मैं फिर से अपना खेत जोत सकूं जब तक नए मक्के नहीं आ जाते, क्योंकि जो मेरा पुराने मक्के थे वो सारे तो हेल स्टॉर्म ने ख़त्म कर दिया। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, और उसने एनवेलप के ऊपर लिखा टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड एंड Still troubled, went to town at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने भगवान के लिए लेटर लिखा, उसने एनवेलप के ऊपर टू गॉड लिख दिया, फिर वो शहर चला गया और उसने क्या करा, पोस्ट ऑफिस में से स्टैम्प लेके उसने लेटर पे लगाया और उस लेटर को उसने मेलबॉक्स में डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office. एक employee उसका जो postman था और वो post office में भी मदद करता था, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अपने boss के पास चला गया क्योंकि जैसे उसने letter देखा, a letter to God,
तो उसको बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि ऐसा उसकी लाइफ टाइम में, उसकी करियर में फर्स्ट टाइम हुआ है कि कोई भगवान को लेटर भेजना चाहता है। तो वो लेटर लेके अपने बॉस के पास चला गया और हंसते हंसते वो अपने बॉस के पास चला गया। नेवर इन दिस इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने पूरे करियर में पोस्टमैन की जो उसकी जॉब थी पूरे करियर में उसने ऐसे एड्रेस कभी नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, जो पोस्ट मास्टर था ना उसका कैरेक्टर यहाँ पे बता रहा है, एक मोटा एमिएबल मतलब फ्रेंडली और प्लेजेंट, बहुत हसमुख और बहुत फ्रेंडली नेचर का आदमी, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग और उसको भी बहुत ज़्यादा हंसी आ गई वो लेटर देख के। बट ऑलमोस्ट इमिजिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। लेकिन अचानक से जब वो हंस रहा था अचानक से वो सीरियस हो गया और उसने वो लेटर अपने डेस्क पे टैप करा, क्योंकि उसका एक रीज़न था कि उसको लगा कि कोई इतना सीरियस रीज़न होगा कि कोई भगवान को लेटर लिख रहा है। शुरू में तो उसको हंसी आई लेकिन फिर उसने वो चीज़ समझी और वो सीरियस हो गया। एंड ही सेड व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। क्या विश्वास है, काश ऐसा विश्वास मुझे भी होता भगवान में जितना इस आदमी को है। लेट्स मूव ऑन। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. तो अब जो faith मतलब जो लेंचो था उसका उसका वो भगवान के लिए विश्वास देख के पोस्टमास्टर को वो चीज़ अच्छी लगी, तो उसका वो विश्वास ना तोड़ने के बजाय उस पोस्टमास्टर ने लेंचो की हेल्प करने के लिए सोचा। तो उसको एक आइडिया आया, आंसर द लेटर। उसने सोचा कि भगवान की जगह वो आंसर देगा ताकि क्या होगा, लेंचो का विश्वास भगवान के लिए टूटे ना। बट व्हेन ही ओपन इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। लेकिन जब उसने पोस्टमास्टर ने लेटर खोला तो उसमें सिर्फ लेटर का रिप्लाई नहीं करना था, लेंचो ने और भी चीज़ की मांग करी थी। तो लेटर का रिप्लाई सिर्फ इंक और पेपर की नीड नहीं थी, उससे भी ज़्यादा कुछ नीड थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन उसका उसने जो रेजोल्यूशन बनाया था कि मैं इस आदमी की मदद करूँगा, ही वॉज स्टक टू दैट। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिक टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। अब क्या होता है, जो लेंचो है ना, लेंचो ने भगवान से क्या 100 पैसोस की मांग करी थी, ठीक है ना, 100 पैसोस की। जब पोस्ट मास्टर वो लेटर खोल के देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा पैसों की नीड होती है, तो पोस्ट मास्टर ये सोचता है कि मैं अपनी सैलरी में से थोड़ा सा पार्ट दे दूंगा, मैं अपने एम्प्लॉयज़ को बोलूँगा कि वो इस आदमी की मदद करे, थोड़ा थोड़ा करके ना लेंचो के लिए उन्होंने पैसे इकट्ठे करे और एज अ चैरिटी उन्होंने लेंचो को वो पैसे दिए, लेंचो के लिए एज अ चैरिटी उन्होंने वो पैसे कलेक्ट करे। ऑलराइट, it was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. ab postman ke liye, postmaster ke liye bhi wo cheez impossible thi ki ek sath itna paisa collect wo nahi kar sakta tha, lekin fir bhi usne apni puri koshish karke more than half matlab 50% se bhi zyada usne 70 pesos us lancho ke liye farmer ke liye collect कर लिए। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर कॉर्ड। और लेंचो के लिए उसने वो मनी लेटर में लिख दिया और उसके ऊपर बस एक सिग्नेचर था, वो था कॉर्ड। क्वेश्चंस देखते हैं, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, किसको और क्या विश्वास था लेंचो को और लेंचो ने क्या करा, भगवान पर विश्वास था और भगवान को उसने लेटर लिखा। हु रीड द लेटर, कॉल लेटर पढ़ता है, पोस्टमैन। व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू, फिर पोस्टमास्टर क्या करता है, पोस्टमास्टर उसकी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, ये सब आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे पढ़ के। द फॉलोइंग संडे लेंचो कम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। संडे को वो बहुत जल्दी, संडे मॉर्निंग को वो जल्दी आ गया पोस्ट ऑफिस पूछने के लिए कि उसके लिए कोई लेटर आया है या नहीं है, ठीक है।
It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. जिस postman ने उसका letter देखा था, उसी postman ने उसको जो letter इन लोगों ने prepare करा था ना, उसमें पैसे collect करके उसकी help करने के लिए, वो letter उस postman ने उसको handover कर दिया लेंचो को. और जो postmaster था, जिसने उस आदमी की मदद करी है, जिसने उसके लिए पैसे इकट्ठे कराए, वो अपने ऑफिस से बैठ के ये सब देख रहा था. कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फैक्शन, उसको ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी थी कि हमने जिस आदमी के लिए मदद करी है, वो लेटर खोलेगा तो उसको कितना अच्छा लगेगा. ये चीज़ देखने के लिए वो ऑफिस में बैठा था, ताकि उसको बहुत सेटिस्फैक्शन हो उसके अच्छे कर्मों की. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. लेकिन लेंचो ने इतना सा भी सरप्राइज शो नहीं करा. ही वॉज नॉट सरप्राइज एट ऑल. क्यों? सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. क्योंकि वो बिल्कुल श्योर था कि भगवान मुझे पैसे भेजेंगे ही भेजेंगे. और लेंचो ने कुछ भी एक्सप्रेशन शो नहीं करा. ही वॉज नॉट अम्यूज एट ऑल. ही वॉज नॉट एक्साइटेड. ही वॉज नॉट सरप्राइज एट ऑल. ही वॉज नॉट इवन ओवरवेल्ड. ठीक है, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन क्या होता है, जब वो पैसे काउंट करता है ना, तो उसको गुस्सा आ जाता है. क्यों? क्योंकि उसने 100 पैसों की मांग करी थी, और एनवेलप में कितने होते हैं? 70. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट. लेंचो सोचता है कि भगवान गलती कर ही नहीं सकता, और जो मैंने उनसे मांग करी है वो चीज़ वो देंगे ही देंगे. जो मैं रिक्वेस्ट करी वो मेरी रिक्वेस्ट पूरी करेंगे ही करेंगे, और ना वो मुझे मना कर सकते. डिनाइड मतलब मना करना. ठीक है, तो इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. फटाफट से लेंचो विंडो के पास चला गया और उसने एक पेपर और इंक की मांग करी. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्राउ कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज. फटाफट से उसने पेपर टेबल पर रखा और अपने सारी फीलिंग्स से उसने पेपर पर लिखना स्टार्ट कर दिया कि उसको इतने इतने पैसे नहीं मिले हैं, ये वो फलान. ठीक है ना, सॉरी. तो हम ये चीज़ देखते हैं. व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प व्हिच ही लिक्ड एंड देन फिक्स्ड टू द एनवेलप. फिर वो जब उसने ख़त्म कर दिया लेटर लिखना, विंडो के पास जाता है, वो स्टैम्प लेता है, उसको लिख करता है, उसको एनवेलप पे चिपका देता है. देखते हैं, स्टिक्ड एनवेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फीस्ट. और फीस्ट से उसको एनवेलप पे वो स्टैम्प चिपका देता है. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही जो mailbox में लेंचो ने letter डाला, वो जो postmaster था जिसने लेंचो की इतनी help करी थी, वो फटाफट से जाता है उस letter को देखने के लिए. अब देखना झटका क्या होता है. It said, God of the money that I asked for only 70 pesos reached me. भगवान, जितने पैसे मैंने आपसे मांगे थे ना, उसमें से सिर्फ मुझे 70 पैसे ही मिले हैं. 70 pesos only I have received. Send me the rest money. जो बाकी के बचे हुए पैसे हैं मुझे भेज दीजिए. Since I need it very much, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. But don't send it to me through the mail because the post office employees are bunch of crooks. Lancho. अब लेंचो क्या बोलता है कि मुझे बाकी पैसे बचे हुए भेज देना, लेकिन इस बार मुझे ना मेल के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले बहुत बड़े धोखेबाज हैं. क्योंकि उसको ये लग रहा था कि भगवान ने उसको सारे पैसे भेजे, और जो पोस्ट ऑफिस वाले लोग हैं ना, वो उसके आधे पैसे खा गए. हकीकत तो उसको पता नहीं है कि बल्कि पोस्ट ऑफिस वालों ने उसकी मदद करी है, पोस्ट मैन ने उसकी मदद करी है, पोस्ट मास्टर ने उसकी मदद करी है. बात उसको पता नहीं है, तो उसने लेटर में ये चीज़ लिखी कि इस बार मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना आप पैसे, क्योंकि ये जो पोस्ट मास्टर है ना, बहुत बड़े धोखेबाज है, बहुत क्रूक्स है, मेरा सारा पैसा खा जाएंगे. देख रहे हो, एंड दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी. ये चीज़ होती है, एक तो पोस्ट मास्टर ने हेल्प करी, लेकिन लेंचो ने उन्हीं को ब्लेम कर दिया. क्वेश्चन देखो, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट. क्या लेंचो सरप्राइज था जब उसने लेटर देखा और उसमें पैसे है? नहीं, बिल्कुल नहीं था. ही वॉज एक्चुअली कॉन्फिडेंट. वॉट मेड हिम एंग्री? उसको गुस्सा क्यों आया? क्योंकि उसके पास जितने उसने पैसे मांगे थे, उतने पैसे उसको मिले नहीं. ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी. और बाकी क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगी. यू गाइज जस्ट नीड टू आंसर दैम इन योर ओन लैंग्वेज. ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.